वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी, जिसके बाद हंगामे होने के आसार हैं। केंद्र सरकार और विपक्ष ने लोकसभा के पहले बजट सत्र के लिए अपनी अपनी सियासी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट सत्र के लिए सरकार और विपक्षी दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उधर संसदीय कार्य मंत्री ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष का पूरा जोर सदन में चर्चा करने पर रहा। संसद का पहला, ये आपको बता दें, ये बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। अब ये देखना होगा कि आखिर क्या विकास के मुद्दों के साथ महंगाई और रोजगार पर बजट में बात हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी, जिसके बाद हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और विपक्ष ने लोकसभा के पहले बजट सत्र के लिए अपनी अपनी सियासी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट सत्र के लिए सरकार और विपक्षी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। उधर संसदीय कार्य मंत्री ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष का पूरा जोर सदन में चर्चा करने पर रहा। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। देश के लोग बजट से आयकर में छूट, महंगाई और कंट्रोल जैसे मुद्दों पर छूट मिलने की आस लगाए हुए हैं, तो वहीं देश की बड़ी आबादी बजट में रेलवे से जुड़े कुछ अच्छे प्रावधानों की उम्मीद भी लगाए बैठी है। उन्हें लगता है कि बजट में उन्हें इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बजट में वेटिंग लिस्ट से मुक्ति, रेलवे और उनकी यात्री में सेफ्टी, ट्रेन में साफ सफाई, बुजुर्गों को डिस्काउंट पर रुख स्पष्ट होगा। आपको बता दें निर्मला सीतारमण सदन में पहुंच चुकी हैं और इससे पहले ये अभी फोटो शूट हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आज जो है बजट पेश होने वाला है, क्या अहम जो है मुद्दों पर आज जो है पेश हो सकती हैं चीजें? क्या जो मुख्य फोकस बताया जा रहा है महिला, गरीब, क्या उन पर भी कुछ राहत मिल सकती है? पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्या जानकारी है आपके पास? मोदी का 3.0 जो ये बजट है आज पेश होने वाला है और करीब 11 बजे के आसपास जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करेंगी। अभी वो राष्ट्रपति भवन जा रही हैं और वहाँ के उसके बाद जो है वो जो है वहाँ जाके बजट, संसद जाके बजट पेश करेंगी। लेकिन इस बार का जो बजट है, क्योंकि सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, जो बीजेपी के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं बहुत सारे, उनसे बात करने के बाद ये मालूम चला है कि इस बार का बजट ये सातवां बजट होगा निर्मला सीतारमण जी का। और आज जो बजट होगा ये बहुत ही खास होगा, ये सभी लोगों को कहना है, जितने भी बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, और अभी तक यही सामने आ रहा है, क्योंकि जो इस बार पिछली बार बजट में जो है कुछ चीजें बढ़ा के जो स्लैब था, जो नौकरी पेशा लोगों के लिए एक जो सैलरी में जो एक छूट दी गई थी कि इतनी सैलरी के बाद जो है टैक्स लगेगा, लेकिन इस बार उसमें भी जो है कुछ छूट देने की ऐसा लोग प्रयास लगा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो किसान निधि है, जो बेरोजगार हैं, जो लोग मध्यम वर्गीय हैं, इनके लिए भी खास तौर से बजट में इस बार बहुत कुछ रहने की संभावना है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये मोदी सरकार का सातवां बजट है और सातवां बजट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, सबसे खास बात ये होगी, क्योंकि जो कृषि अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए किसानों को जो एक विशेष छूट दी जानी है, चाहे वो बीज में हो, खाद में हो, ट्रैक्टर लेने में हो, जो सिंचाई के साधन होते हैं उनमें हो, तो बहुत सारी ऐसी लोग जो है आप लगाए बैठे हैं अभी जो किसान हैं कि उनको एक अच्छी छूट मिलेगी और वो जो है सरकार से लाभ ले पाएंगे। वहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपने जो है
एक खास छूट के लिए जो है आशा लगाए बैठा हुआ है कि जो उसकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं आज जिनको वो रोज खर्च करता है, जिनका यूज करता है, जैसे आजकल जो गाड़ियों में भी अभी कुछ दाम जो है कम हुए हैं, जो लग्जरी कारें हैं उनमें भी दाम कम हुए हैं, और जो घरों की जो सामान है, जो महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं कि जो रसोई का सामान है, जो रसोई में यूज होने वाले गैस सिलेंडर है और जो मसाले हैं, जो लुची जो और चीजें यूज होती हैं, चाय की पत्ती है, चीनी है, ये सब चीजें जो है अगर आज कुछ कम होती हैं बजट में तो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि अभी जो इस समय एक जो मार्केट में है कि महंगाई का दौर है, महंगाई चल रही है, बहुत सारे लोग परेशान है, मध्यम वर्गीय लोग रोज इससे इन चीजों में डिबेट्स हो रही हैं, लोग अपने मत रख रहे हैं, तो मध्यम वर्गीय परिवार को जो है, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको राहत देने का आज प्रयास होगा। सातवां बजट है ये निर्मला सीतारमण जी का, और देखना ये होगा कि 11 बजे के बाद जो ये बजट आएगा ये कितना राहत देने वाला होता है। जी जी, तो क्या लगता है इस बार जो है इनकम टैक्स में कुछ छूट लोगों को मिल सकती है? देखिए, जो सैलरी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सैलरी पैसा लोग हैं, उनको ये आशा है कि जो सैलरी है, सैलरी में जो है कुछ बजट में उनको छूट दी जाएगी, और पिछले साल भी ये आशा थी, लेकिन जो आशा थी वो कुछ कम उनको मिली थी, कुछ कम जो है उनको सैलरी में छूट मिली थी उसमें जो टैक्स होता है, लेकिन इस बार जो है उनको ये आशा है कि छूट उनको दी जाएगी, क्योंकि इस बार जो है बीजेपी सरकार जो कुछ कम जो जो राहत के जो पैकेज हैं, क्योंकि अभी बाढ़ भी जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या बन के उभर के आई है, तो यहाँ पे भी राहत के पैकेज देने होंगे, राहत की सामग्री देनी होगी लोगों को, तो इन चीजों को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट होने वाला है। खासतौर से किसान हैं, बेरोजगार हैं, और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तो बेरोजगारी को भी जो है दूर करने के लिए केंद्र सरकार को कुछ बड़ा करना होगा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, आपसे अपडेट लेकर रहेंगे। तो आपको बता दें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, ये मोदी सरकार के 30 कार्यकाल का पहला बजट है। तो इसी खबर पर हम बात कर रहे थे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आज बजट सत्र जो है कल से शुरू हो गया था, आज बजट पेश होगा, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय भी पहुंच चुके हैं, फोटो सेशन हो चुका है, आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है और आम आदमी के लिए ये बजट कितना खास माना जा सकता है? राजीव, आज बजट पेश किया जाएगा, उस बजट से कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें या फिर मजदूर वर्ग की बात करें, सभी को कहीं ना कहीं इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और कल जिस तरीके से एक बैठक की गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा और जिसमें तमाम राज्यों के मंत्रियों के साथ साथ बैठक की गई थी, तो ये कोशिश की गई थी कि ये सुनिश्चित किया जाए कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे के अंदर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं सबकी सहमति बनती हुई नजर आई। और आज कहीं ना कहीं इस बजट से, यानी कि एक आम बजट से, कहीं ना कहीं यही उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आ सकता है, और इसको अगर पेट्रोल डीजल के दाम वाकई में ही कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो सोचिए कहीं ना कहीं काफी राहत जो है वो मिलती नजर आएगी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो टमाटरों की बात करें या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें, रसोई गैस की बात करें, दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, सभी चीजों पर दाम जो है वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आम व्यक्ति को कहीं ना कहीं घर का बजट जो है संभालने में दिक्कतें आ रही हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निर्मला सीतारमण के आज के बजट की, क्योंकि पहले भी जब बजट पेश किए गए थे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग यही चाहता था कि उनको राहत मिले, मगर हर बार उनको निराशा ही हाथ लगती नजर आती थी, मगर अब की बार कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे के अंदर पेट्रोल डीजल अगर आता है तो लगभग पेट्रोल और डीजल पर 20 रुपए की कहीं ना कहीं कटौती जो है वो देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर जो है ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं बाकी चीजों पर, यानी कि दवाइयों पर बात करें, सब्जियों पर बात करें, दूध पर बात करें, हर चीज के दाम जो है वो घट सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं आम व्यक्तियों को बिल्कुल राहत मिल सकती है। मगर देखना होगा इस बजट के द्वारा क्या वाकई में ही किसानों को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा या फिर आम व्यक्तियों को फायदा होगा, या फिर ये कहें कि हर बार की तरह बजट जैसे पेश किया जाता है अपर क्लास को देखकर, क्या ये बजट भी अपर क्लास को ही ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा
या फिर मिडिल क्लास को देखकर। मगर अगर मिडिल क्लास को देखकर इस बजट को पेश किया जाता है तो कहीं ना कहीं बड़े फायदे जो है आम जनता के लिए माने जा सकते हैं। जी जी, तो क्या लगता है किस सेक्टर को जागा इससे जो है उम्मीद है और किसका फायदा जागा हो सकता है, क्योंकि बिहार जो है वहाँ स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात हो रही थी, तो क्या इस बजट में वहाँ से कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम बजट की, तो आम बजट के अंदर कहीं ना कहीं आज निर्मला सीतारमण जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं फायदा दे सकती हैं। यहाँ पर बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग से जब हमने भी जानने की कोशिश करी थी तो वो भी यही चाहते थे कि टैक्स के अंदर उनको राहत मिले, ताकि उनको कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर भार पड़ा हुआ टैक्स का वो कहीं ना कहीं कम हो, जिससे कहीं ना कहीं बाकी सामानों पर भी कहीं ना कहीं कटौती होती नजर आएगी, यानी कि उनके भी दाम कम होते नजर आएंगे, उनका ग्राहक भी ज्यादा बनेगा और कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से लोग जो है वो कम सामान खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार भी कहीं ना कहीं कम चलता हुआ नजर आता है। मगर अगर टैक्स कसते घट जाता है, टैक्स के अंदर राहत मिल जाती है, तो व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा, बाकी सामानों पर भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और उससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और गरीब क्लास जो है उनको भी फायदा होता नजर आएगा। मगर उम्मीद जिस तरीके से आज लगती नजर आ रही है कि पेट्रोल डीजल को कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में अंदर ला सकता है, तो जीएसटी को दायरे के अंदर लाने के बाद कहीं ना कहीं आम व्यक्तियों के बारे में राहत जो है मिल सकती है। अगर राहत नहीं मिलती है तब कहीं ना कहीं इसको फिर हर बार की तरह जो बजट अपर क्लास के लिए पेश किया जाता है, इसको भी कहीं ना कहीं अपर क्लास के लिए ही माना जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें आम व्यक्तियों की, महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए बड़े कदम जरूर इसमें उठाए जा सकते हैं। जी राजीव, जब से जो मोदी सरकार आई है तब से कुछ ना कुछ बदलाव नई तरह के देखने को मिले हैं। पहले बजट किसी और फॉर्म में जो है पेश होता था, अब डिजिटल फॉर्म में होता है, टैब के थ्रू होता है, तो क्या लगता है टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो कर रही है, आज जो बजट पेश होगा उसमें भी इसका कुछ कुछ अहम पार्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो मोदी सरकार जब से 2014 से सत्ता के अंदर आई है तब से कहीं ना कहीं लगातार डिजिटाइजेशन को लगातार कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश करती नजर आती है, और लगातार ये भी कोशिश की जाती है कि टीवी पर, मोबाइल पर, इन चीजों पर दाम जो है घटाए जाए, ताकि व्यापार वर्ग को भी फायदा होता नजर आए और कहीं ना कहीं ये सामान जो है वो ज्यादा बिके। मगर यहाँ पर बात करें अगर टैक्स में राहत मिल जाती है तो सोचिए कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन के अंदर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। दूसरा, टीवी की बात करें, मोबाइल की बात करें, सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, हर चीज पर कहीं ना कहीं दाम जो है वो घटते हुए नजर आ सकते हैं, और जिससे सीधा सीधा फायदा जो है अपर क्लास को भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स के अंदर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं बाकी सामानों पर भी राहत मिलेगी, जिससे मिडिल क्लास की बात करें तो जो अभी तक कहीं ना कहीं कहते हैं जो कहीं ना कहीं कम सामान खरीदते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो मजबूरी की वजह से, महंगाई की वजह से नहीं खरीद पाते हैं, उनको राहत मिलेगी। मगर यहाँ पर बात करें सदन के अंदर भी लगातार विपक्ष के हाथ में मुद्दे लगे हुए, महंगाई को लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर हमला बोला जाता है, लोकसभा चुनाव के अंदर भी यही चीज मुद्दे जो थे वो विपक्ष के हाथ में थे, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बिल्कुल होता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर बात करें अगर इस बजट के अंदर मिले क्लास को कहीं ना कहीं ध्यान में रखें। राजीव जी, हम आपसे अपडेट लेकर रहेंगे, फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।